13 और 14 जून को होने वाले SCO के शिखर सम्मेलन की तरफ रुख करें तो भारत ने आतंकवाद के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की यहां पर तैयारी कर ली है और इस दौरान भारत की चीन और रूस के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, लेकिन भारत पाकिस्तान से किसी भी तरह की बात नहीं करेगा। SCO समिट में भारत उठाएगा आतंकवाद का मुद्दा, समिट में पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बातचीत, SCO बनेगा पाक को अलग थलग करने का मंच। पाकिस्तान प्रायित आतंकवाद का मुद्दा SCO समिट के दौरान भी उठेगा। जाहिर है पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति का एक और मंच SCO बनेगा। SCO समिट इस बार किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाला है। ये शिखर सम्मेलन ऐसा पहला मल्टीलेटरल फोरम होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में भाग लेंगे। भारत ने इस समिट में आतंकवाद के मुद्दे को पूरी तैयारी से उठाने का निश्चय किया। भारत की ओर से साफ कर दिया गया कि समिट में किसी एक देश को टारगेट करना भारत का उद्देश्य नहीं, लेकिन सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। चीन ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि समिट में किसी एक देश को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर SCO समिट के दौरान बातचीत करने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि SCO समिट में नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच कोई द्विपक्षीय मुलाकात नहीं होगी। To the best of my knowledge, there is no bilateral meeting being planned between Prime Minister and Prime Minister of Pakistan on the sidelines of the SCO summit. हालांकि SCO summit के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। SCO summit में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 13 जून को दिल्ली से बिश्केक के लिए रवाना होंगे। SCO समिट के साइडलाइन में पीएम मोदी रूस और चीन के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को भी साधने की कोशिश करेंगे। कॉमन एजेंडा अमेरिका की दादागिरी और ईरान पर लगे सैंक्शन का मुद्दा हो सकता है। अगर ये बातचीत सफल रही तो फिर ईरान से तेल आयात को लेकर बड़ा फैसला भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ब्रिज सुभाष चंद के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।